जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। पाप को दूर करने की महा औषधि है भगवान के नाम का स्मरण। प्रायश्चित पाप दूर करने का सुगम उपाय माना जाता है अवश्य, परंतु उसमें उतना प्रभाव तथा व्यापकत्व नहीं होता। इस विषय में विष्णु पुराण का यह वचन कितना प्रमाणभूत है। आशय है कि जिसमें चित्त लगाने वाला नरक गामी नहीं होता, जिसके चिंतन में स्वर्ग लोक भी विघ्न रूप है, जिसमें चित्त लग जाने पर ब्रह्म लोक भी तुच्छ प्रतीत होता है, और जो अविनाशी प्रभु शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उस अच्युत का चिंतन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। नाम के द्वारा सैकड़ों जन्मों के किए पापों की राशि उसी प्रकार जल जाती है जिस प्रकार आग से रुई का ढेर। नाम स्मरण करते ही भगवान ज्यों ही साधक के हृदय में विराजते हैं, ज्यों ही उसके समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार ऊँची ऊँची लपट वाला अग्नि वायु के साथ मिलकर सूखी घास के ढेर को जला डालता है, अजामिल का उपाख्यान नाम स्मरण के विषय में नितांत विश्रुत है। मरते समय धोखे से भी यदि भगवान का नाम उच्चारित हो जाए तो शुभ फल होने में तनिक भी विलंब नहीं होता। पुत्र को बुलाने की अभिलाषा से उच्चारित नारायण नाम न होकर नामाभास ही तो है, परंतु इसके सार्वभौम प्रभाव से प्रत्येक भक्त परिचित हैं। नाम के उच्चारण मात्र से ही पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का सद्य ज्ञान हो जाता है, जिससे साधक का चित्त उसमें रमने लगता है। नाम स्मरण का यही परम उद्देश्य है, भगवान के निश्छिद्र गुणों में अपने आप को लगा देना और तदुत्पन्न रस का आस्वादन करना। अन्य फल गौण है, यही तो मुख्य फल है। भगवान में उनके गुण लीला और स्वरूप में रम जाने का एकमात्र सुलभ साधन है नाम स्मरण। भगवान के नाम का स्मरण प्रति क्षण होना चाहिए, एक क्षण के लिए भी उसकी विस्मृति होना महान अपराध है। नाम ही ऐसी वस्तु है जो भगवान की रसमयी मूर्ति हमारे नेत्रों के सामने सर्वदा उपस्थित कर देती है। अन्य साधनों से यह कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता, इसलिए शास्त्र का वचन है, लुटेरों ने किसी संपत्तिशाली धनाढ्य को लूट लिया हो तो चिल्लाना ही स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार यदि मानव का एक भी क्षण भगवान के ध्यान के बिना बीत जाए तो उसे अत्यंत विलाप करना चाहिए, और यह ध्यान भगवान के नाम द्वारा ही अनायास सिद्ध हो सकता है। नाम स्मरण की उपादेयता इस कलिकाल में विशेष रूप से मानी गई है। विष्णु पुराण में इसका वर्णन बड़े ही नाटकीय ढंग से किया गया मिलता है। अल्प आयास से महत फल की प्राप्ति करने की जिज्ञासा मुनियों को वेद व्यास जी के पास ले गई। वे गंगा जी में उस समय स्नान कर रहे थे। पानी से ऊपर आते ही वे जोरों से चिल्लाने लगे। मुनि लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ इस नवीन अर्थ के द्योतक वाक्य पुंज पर। स्नान से निवृत्त होने पर जब मुनियों ने अपने संदेह का निराकरण चाहा, तब वेद व्यास ने इन तीनों की धन्यता के विषय में अपना निश्चित मत प्रकट किया। फल की सिद्धि का चतुर्युगीय अनुपात इस प्रकार व्यास जी ने बतलाया, 10 वर्ष सतयुग, 1 वर्ष त्रेता, 1 मास द्वापर, 1 दिन रात कलिकाल। तात्पर्य यह है कि सतयुग में तप, ब्रह्मचर्य तथा जप आदि की सिद्धि के लिए 3600 दिन लगते हैं, वहाँ कलयुग में 1 अहोरात्रि ही पर्याप्त है। इतना ही नहीं, साधन की लघुता की दृष्टि से भी कलयुग धन्य है। कृतयुग चंचल चित्त से दुसाध्य, ध्यान त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चना से जो फल प्राप्त होता है, वही कली में केशव
के थोड़े से कीर्तन करने मात्र से होता है। इसी तथ्य को इसी अध्याय में पराशर जी ने पुनः दोहराया है। वेद व्यास जी की दृष्टि में कलयुग की धन्यता का यही कारण है। श्रीमद् भागवत में तथा अन्य पुराणों में भी यही मान्यता दोहराई गई है। हरे नमः मंत्र की सर्वकालिक व्यवस्था इसे सर्व पातकों के छालन की क्षमता प्रदान करती है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को तथा प्रचंड बवंडर मेघ को समग्र रूप से दूर कर देता है, उसी प्रकार भगवान का कीर्तन प्राणियों के व्यसन तथा विपत्ति को दूर फेंक देता है। इसलिए कलयुग के मानवों का परम कर्तव्य है कि वे भगवान के अनंत नामों में से किसी नाम को चुन लें और उसी का यथाशक्ति निरंतर कीर्तन किया करें। यह कीर्तन उभय लोकों में अभीष्ट फल का प्रदाता होता है। इस लोक में एहिक भौतिक कल्याण तथा परत्र पारलौकिक निःश्रेयस की सद्य प्राप्ति भगवान के जप से तुरंत होती है। इसलिए इस मार्ग का आश्रय प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए पुण्य कीर्ति भगवान के गुणों का कीर्तन मनुष्यों की तपस्या का वेद अध्ययन का सुंदर कथन का ज्ञान तथा दान का अस्खलित फल बतलाया गया है। फलतः भगवान की अनुकंपा से ही उनके नाम के स्मरण में चित्त लगता है। भगवान की अनुकंपा से हम सभी नाम जप के रसिक बने। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। पाप को दूर